और $1 trillion की इकोनॉमी का जो सपना दिखाए उसका बजट में कुछ तो इस तरह का होगा कि $1 trillion की इकोनॉमी तक पहुंच जाए। तो मुझे उम्मीद है आज मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों मिलकर के कम से कम विपक्ष को और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताएंगे कि $1 trillion इकोनॉमी के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कदम जो उठाने के लिए उन्होंने जो इंटरनेशनल कोई एक सलाहकार या कंपनी को हायर किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी के सुझाव ऐसे हों कि आपके अगले 4 साल में $1 trillion की इकोनॉमी ही ना हो पाए। 2024 का बजट है ये, इसको ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। देखिए हर बजट बड़ा होता है, हर बजट ऐतिहासिक बोला जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये $1 trillion की इकोनॉमी की बात हो, भारत की $5 trillion की इकोनॉमी हो, भारत की इकोनॉमी अलग रूप से अपने आप पहुंच जाएगी, वो अलग विषय है, लेकिन यूपी की $1 trillion की इकोनॉमी के लिए क्या क्या ठोस कदम उठा रहे हैं। अभी तक जो 6 बजट आए हैं उसमें ऐसा नहीं लगता है कि जिसमें किसान, नौजवान या बेरोजगारी के लिए कोई बड़े फैसले लिए हों। अगर बड़े फैसले लिए होते तो आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था न जाने कहां पहुंच गई होती। सर ये काली शेरवानी का क्या चक्कर है, काली शेरवानी? देखिए बहुत सारे लोग अब विपक्ष के पास कुछ है तो नहीं है, कपड़े ही अच्छे पहन के जा सकते हैं और ये विरोध नहीं है, ये कपड़े पहन के इसलिए जा रहे हैं कि कम से कम हम शरीफ लोगों को भी कुछ दे देंगे। ये आदम खान और नहीं ये याद और वो तो अपनी तरफ से राजनीति फैला रहे हो। मैं ये जानता हूँ कि कन्नौज का एक इत्र पार्क है, उम्मीद है कि आज शेरवानी पहन के जा रहा हूँ तो कन्नौज के इत्र पार्क को कुछ तो पैसा देंगे और शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।